हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे भालुओं के बारे में, लेकिन इससे पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे ऐसी और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं भालुओं के बारे में। भालुओं की अभी तक 8 प्रजातियां ज्ञात हैं। ध्रुवी भालू यानी पोलर बियर अधिकतर मांस मछली ही खाता है, और बड़ा पांडा सिर्फ बांस के पत्ते टहनियां खाता है, लेकिन भालू की अन्य 6 जातियां सर्वाहारी होती हैं। भालू केवल अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीपों पर पाए जाते हैं। इनके 4 पैर होते हैं, लेकिन अपने आगे के पंजों का इस्तेमाल ये हाथ की तरह भी कर लेते हैं। एक रोचक जानकारी ये भी है कि भालू अपने पिछले पैरों पर खड़ा भी हो सकता है। भालू के पैर के नाखून बड़े और तेज होते हैं, जो किसी भी जानवर का शिकार करने में सक्षम होते हैं। ये झुंड के बजाय अकेला रहना पसंद करते हैं। केवल बच्चे जनने के लिए नर और मादा साथ रहते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। बच्चों के पैदा होने के बाद ये बस कुछ समय के लिए अपनी माँ के साथ रहते हैं। भालू नदियों और तालाबों के आसपास रहते हैं। भारत में भालू हिमालय पर्वत के इलाकों में पाए जाते हैं, जो अक्सर गुफाओं में रहना पसंद करते हैं। ये ज्यादातर दिन के समय ही सक्रिय होते हैं, हालांकि कभी कभी रात को भी घूमते हुए या खाना ढूंढते हुए पाए जा सकते हैं। इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। भालू मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ध्रुवी भालू और ग्रीजल भालू। ध्रुवी भालू सफेद रंग के होते हैं, जिनका औसत वजन 700 किलो और औसत लंबाई 9 फुट तक होती है, जबकि ग्रीजली भालू भूरे रंग के होते हैं और इनका वजन 360 किलो और लंबाई 7 फुट तक होती है। ध्रुवी भालू के बाल ग्रीजली भालू से ज्यादा बड़े होते हैं, और ये आकार में भी ग्रीजली भालू से बड़े होते हैं। देखने में भारी भरकम लगने के बावजूद भालू तेजी से दौड़ सकते हैं। इनकी दौड़ने की रफ्तार 64 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और इनमें पेड़ों पर चढ़ने और पानी में तैरने की भी अधिक क्षमता होती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भालू का दिल 1 मिनट में 40 बार धड़कता है, लेकिन जो भालू शीत निद्रा में होते हैं उनका दिल 1 मिनट में 8 बार ही धड़कता है। बात करें भालू के जीवन काल की, तो इनकी औसत उम्र लगभग 30 साल तक की होती है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।